हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल नए डिज़ाइन का टॉप बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और लंबाई में 23 इंच रखूँगी। लंबाई मैंने 23 इंच रखी है और शोल्डर में 7.5 इंच रखूँगी। और आर्म होल की लेंथ में 7 इंच रखूंगी और 7 इंच तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट आपकी जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई के लिए। मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और एक निशान हम 13 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का 1/4 भाग लेंगे और उसमें भी 2 इंच प्लस कर देंगे सिलाई के लिए। मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और गले की चौड़ाई में 4 इंच रखूंगी और पीछे के गले की लंबाई में 2 इंच रखूंगी। और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इस तरह से ये मेरा बैक का पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। ये हमारी 4 लेयर है। अभी इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट रखना है और इसे सिंपली ड्रॉ कर देना है आर्म होल की साइड से। और सभी साइड से हमें इसे ड्रॉ कर देना है। नेक के लिए हम निशान लगा देंगे। अभी बैक का पार्ट हम हटा देंगे और फ्रंट नेक की लंबाई में 4 इंच रखूंगी। और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट नेक के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी इसे हम सीधा खोल देंगे। ये फ्रंट पार्ट के मेरे 2 पीस हैं, लेकिन इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। आर्म होल की साइड से हमें 2 से 2.5 इंच पर निशान लगा देना है और नेक की साइड से हम सेंटर में 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे की साइड से भी हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। और तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हम इसमें शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है तीनों निशानों को मिलाते हुए। और इसे हम कट कर देंगे। और इस कटे हुए फैब्रिक को हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो हमने कटिंग की है, इस तरह से मेरे 2 पीस हैं फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से 2 पीस निकल कर आएंगे। इसे हमें एक के ऊपर दूसरा इस तरह से रखना है। और फ्रंट पार्ट में इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा। सबसे पहले हमें इसके नेक पर सिलाई लगा देनी है। राउंड पार्ट में हम इस पर सिलाई लगा देंगे।
ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं पूरे नेक पर। और एक पार्ट को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे नेक एरिया पर। ये मैंने इस पर कवर सिलाई लगा दी है। और जो हमने कट लगाया है बीच में, उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। ये मैंने तिरछी पट्टी ली हुई है, इसे जो हमने कट लगाया है वहाँ पर रखते हुए हमें इसे सिलाई लगा देनी है। और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है पूरी पट्टी को। दूसरी साइड के कट पर भी हमें इसी तरह से तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। ये मैंने इसमें दोनों साइड पर पट्टी अटैच कर दी है। भी हम बैक पार्ट में भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। बैक नेक पर हमें तिरछी पट्टी को अटैच कर देना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पलट देना है। ये बैक पार्ट में मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर दी है। उसके बाद हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट का पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट का पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर देने हैं। ये मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। आर्म होल पर हमें तिरछी पट्टी रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। दोनों आर्म होल पर हम इसी तरह से तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये मैंने इसके दोनों आर्म होल रेडी कर दिए हैं। और फ्रंट पार्ट में जो हमने कट बनाया है वहाँ से आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। और इसे हम उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गेप देते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। 2 इंच का गेप देते हुए हमें इसकी फिटिंग कर देनी है दोनों साइड से। ऊपर से नीचे तक हम इसकी फिटिंग कर देंगे। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए पूरे टॉप में सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और फ्रंट पार्ट में भी मैंने हल्की सी सिलाई लगा दी है सेंटर से। और ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। रेडी है हमारा न्यू डिज़ाइनर स्टाइलिश टॉप और ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।